बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए फिल्म मिलना बड़ी बात होती है, पर किसी नए अभिनेता या अभिनेत्री को बॉलीवुड फिल्म पाने की कोशिश करते हुए फिल्म मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही खुश नसीब अभिनेत्री है परी चौहान, जिन्हें अपने करियर की शुरुआत में ही हॉलीवुड में काम करने का मौका मिला। वही परी चौहान अभिनय के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ समाज सेवा में भी काफी रुचि रखती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में से कई लोग हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं, तो हर किसी को मुकाम हासिल होता है तो किसी को नहीं भी होता है, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने आने का कब सोचा और आपने क्यों सोचा? देखिए, मैंने अभी 4-5 महीने पहले डिसाइड किया है कि आई एम गोना बिकम एन एक्ट्रेस। इसके पहले आई वाज डूइंग मॉडलिंग, इट्स बीन 2 years नाउ दैट आई एम डूइंग मॉडलिंग एंड आई हैव डिसाइडेड टू बिकम एन एक्ट्रेस बिकॉज़ I seriously love doing acting. I have tried and tested myself, you know, giving different situations, you know, closed doors in my room, and I just love doing acting. I feel it's the most, you know, recreative activity that I can do to myself. तो जो भी आपने फिल्मों में काम किया है और आपकी जो फिल्म है उसके बारे में हमारी ऑडियंस को आप बताइए जरा। देखिए, अभी तो मैंने पिकॉक का शूट किया है, 10-15 दिन का शूट वो मैंने किया है, क्योंकि मैंने इट्स बीन लेस देन 6 months नाउ दैट आई एम गेटिंग मूवीज एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्टर्स एंड सम ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड आई एम डूइंग दिस बेडनी विच इज वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। जी सर, एक्टिंग में काफी उतार चढ़ाव होते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में काफी, तो उसमें आपको ऐसा कुछ अनुभव आया इस इंडस्ट्री में? नहीं, अभी तक तो क्योंकि मैं बहुत नई हूँ एक्टिंग में और एज एन एक्ट्रेस मैं बहुत नई लड़की हूँ, तो मुझे नहीं लगता अभी किसी तरह के उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छा मुकाम और एक बहुत अच्छी फिल्म मिलना और बहुत अच्छी, यू नो, आपको बहुत अच्छा कैरेक्टर उस फिल्म में मिलना, इट्स रियली अ ग्रेट डील और बहुत, मतलब, लकी बात होती है। एंड आई बीन लकी दैट पीपल फ्रॉम एक्टिंग इंडस्ट्री दे हैव एक्सेप्टेड मी विद ओपन आर्म्स एंड आई बीन एक्सेप्टेड एज एन एक्ट्रेस। अभी तक मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ ऑडिशन देने के लिए, मेरी लोगों ने तारीफ की और मुझे बढ़ावा दिया कि नो, यू कैन बी अ वंडरफुल एक्ट्रेस। समय के साथ में इम्प्रोवाइजेशन होते जाता है, तो और भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अपनी एक्टिंग को बेहतर बना सकूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि सरकार ने शुरू किया है, इसमें आपकी क्या राय है और आप इसमें कब से शामिल हुए हैं? देखिए, मैंने जब मेरा एक्ट्रेस बनने का कोई मूड नहीं था एंड आफ्टर डूइंग माय मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स, जब भी मेरे पास टाइम होता था तो मैं सोचा करती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ तन मन धन से, मैं क्या लड़कियों के लिए क्या संभावित उपाय जो है उसमें मैं अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एटलीस्ट कुछ इंस्टीट्यूशंस में जाऊंगी, कुछ अच्छी कोचिंग क्लासेस में मैं जाऊंगी जहां पर मैं लड़कियों से बात कर सकूं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकूं। और मैं, यू नो, मैं एक बुक भी लिख रही थी उस टाइम पे, तो आई वाज लाइक लिटरली वेरी मच क्यूरियस टू गिव माय सजेशंस एंड माय आइडियाज टू द गर्ल्स एंड आई जस्ट वांटेड टू नो लॉट ऑफ गर्ल्स एंड लिसन द their problems and provide them the solutions and give them a kind of grooming, so to say. So it's been more than 6-7 months that I am working with this mission and ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी सारी स्कीमों में सबसे अच्छी स्कीम है जिसमें ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मिशन शामिल है। ये बहुत ही अच्छा मिशन है, मुझे लगता है हमारे देश की तरक्की के लिए किसी मिशन का योगदान हो चाहे ना हो, बट इस मिशन का योगदान देश की तरक्की में डेफिनेटली होने वाला है। जी सर, सुनने में आया कि आप एक बुक लिख रहे हो, वो बुक का नाम क्या है और उस बुक में ऐसा आपने क्या लिखा है जो दर्शकों को बताना चाहोगे? जो बुक मैं लिख रही हूँ, जिस बुक को लिखने की इंस्पिरेशन मुझे इसी मिशन के चलते हुई थी, दिस बुक इज बेस्ड ऑन द स्ट्रगल, एवरी डे स्ट्रगल टू इंडिविजुअल्स एंड टू गर्ल्स दैट दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स,
maybe some employed girls and self-employed girls, even college going girls, they are facing a lot of troubles and a lot of problems in their lives, being a girl or being a woman. So I am projecting all those problems, all those struggles, and definitely solutions to them. इसके जरिए आप ऐसे लोगों लड़कियों को खास करके या फिर जो पुरुष साम्राज्य है जो हमेशा लड़कियों को कम लिखा जाता है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप लड़कियों को क्या कहना चाहते हो? देखिए ऐसा है कि आई एम अ गर्ल सो डेफिनेटली आई कैन फील बेटर द इमोशंस ऑफ गर्ल्स ऑल द गर्ल्स गर्ल फैटर्निटी और फीमेल फैटर्निटी आई मीन टू से So definitely I can give the best solutions through my book and at least not solutions but I can really reach out to the girls and women in terms of finding the solutions in terms of finding the ways to their struggles. हमारे जो समाज है समाज में जो लड़कियों को लेके कहा जाता है कि नहीं लड़कियां घर में ही रहना चाहिए लेकिन आज की ऐसे युग है कि लड़कियां पुरुष के कदम मिला के चल रही है और आज कहीं ना कहीं काफी नाम भी कमा रही है तो जो आजकल का कहीं कम ऐसे समाज है कि जो आज भी लड़कियों को दबाना चाहता है तो आप ऐसे समाज को क्या कहना चाहते हो? ये बड़े दुख की बात है बड़े ही दुख की बात है कि इस तरह से लड़कियों के साथ किया जाता है कि लड़कियों को बिल्कुल घर में रखा जाता है उनको घर 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 गृहस्थी के काम सिखाए जाते हैं उनको सिखाया जाता है कि खाना कैसे बनाना है नहीं कैसे पति की सेवा करनी है ना सेम चीजें अगर हम लोग उसको रिवर्स कर दें रिवर्स इन द सेंस कि हम लड़कों को बाहर जाने से मना कर दें बहुत सारे आपने देखा दामिनी रेप कांड जो हुआ था और बहुत सारे रेप कांड जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि लड़के रात को बाहर घूम रहे हैं है ना जो हमारे पुरुष हैं वो रात को बाहर घूम रहे हैं अगर उनको घर में बैठाया जाए तो मेरे ख्याल से रेप के सीन नहीं होंगे और लड़कियों को अगर बाहर भेजा जाए और पुरुषों को घर बैठाया जाए तो मेरे ख्याल से कहीं रेप होगा ही नहीं और मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों को घर बैठाना चाहिए आई एम नॉट गिविंग दैट आइडिया एज वेल बट व्हाट आई वांट टू से एग्जैक्टली इज दैट कि लड़कियों को इस तरह की प्रैक्टिस नहीं सिखाई जानी चाहिए या लड़कों को इस तरह की प्रैक्टिस नहीं सिखाई जानी चाहिए कि आप घर के बाहर घूमो और लड़कियों को घर के अंदर रखो राइट इस केस में ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां जो महत्वाकांक्षी है जो या जो बहुत पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है कोचिंग क्लास से आ रही है लड़कियां इस तरह की लड़कियों के साथ में रेप हो जाता है क्योंकि उनके माँ बाप उनको घर में नहीं रख रहे राइट तो फिर उनको भी यही सीखने को मिलता है कि क्योंकि somebody is keeping the girls indoors, so they should also keep the girls inside the doors and they should not let the girls out to go out. इन द मार्केट तो दूसरे पेरेंट्स को भी फिर एक सदमा लग जाता है फिर वो भी अपनी लड़कियों के साथ वैसे ही बिहेव करना शुरू करते हैं उनको घर में रखना शुरू करते हैं तो ये बहुत ही ट्रेजिक चीज़ें हैं जो समाज में इस तरह की प्रैक्टिस है वो बंद कर देनी चाहिए सिर्फ दो वर्ड में कहिए ये जो बेटी बचाओ बेटी जो मिशन है तो इसके बारे में दो शब्द में कहिए आप सिर्फ एक ये शब्द बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ यही बोला आपको आंसर बेटियों को पढ़ाइए उनको आगे बढ़ाइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकर जो आप बुक लॉन्च कर रही हैं ये कब करने वाली है और किस तरह से करेंगे आप उसको मेरी बुक जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर नहीं है इट इज़ फिक्शन इट्स अ नॉवेल एंड अभी मेरे काम के साथ साथ मैं उसको लिख रही हूँ जब भी मुझे फ्री टाइम होता है मैं लिखती हूँ तो मेरा ख्याल है कि मैं इस साल के एंडिंग तक उसको लॉन्च कर दूँ